गाइस, आज हम बनाएंगे माठ की भाजी। ये माठ की भाजी है, इसको हमने अच्छे से धो लिए हैं और हमने इसको धो के काट लिए हैं और हमने डलिया में रख दिए हैं ताकि ये पूरा इसका पानी निकल जाए। पूरा जलनी में रख दिए हैं और ये हमने 3 हरी मिर्च ली हैं और 2 मीडियम साइज़ प्याज लिए हैं। इन दोनों को हम डालेंगे और अगर आपके पास टमाटर हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पर तेल गरम हो रहा है, हमने गैस चालू कर दिए हैं। यहाँ पर पहले से तेल और गरम हो गया था तो हमने गैस बंद कर दिए थे और थोड़े से बच्चों के लिए पिंगर तले थे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा काला सा दिख रहा था, निकाल दिए हैं और अब हमारा तेल हो गया गरम। अब तेल गरम हो गया तो सबसे पहले हम डालेंगे हरी मिर्च और प्याज। गरम हो गया हमारा, अब हम इसमें डालेंगे मिर्च और प्याज। मिर्च प्याज दोनों डाल दिए हैं, अब ये तला रहे हैं, इनको अच्छे से तल लेंगे। प्याज तल आ गई हमारी, अब इसमें भाजी डाल दिए हैं। भाजी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये पूरी बार बार चलाना पड़ेगा ताकि ये प्याज मिर्ची सब इसमें मिक्स हो जाए। और इसमें हम नमक डाल दिए हैं, आप आपके अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और मेरे पास टमाटर नहीं थे, आप इसमें टमाटर भी डाल सकते हैं। इसमें थोड़ा सा टमाटर नहीं थे तो मैं नींबू डाल रही हूँ ताकि इसमें थोड़ा अच्छा स्वाद आता है, खट्टा खट्टा, इसलिए मैं नींबू डाल रही हूँ। आपके घर में अगर टमाटर हो तो आप टमाटर भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं डाल सकते, आपको ऐसे ही बनाना है। अब इसको 3 मिनट के लिए बनने देते हैं कि भाजी हमारी सब्जी बन गई है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। हमारी भाजी बन के रेडी हो गई है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। देखो हमारी भी अच्छी बनी है, बहुत अच्छी लगती है। आपकी भाजी गर्म होती है, हमारे घर गर्मी गर्मी में तो नहीं, सर्दी में खाना चाहिए। आपकी भाजी बहुत अच्छी। बाय बाय बाय।